मित्रा भाई ऐसा है कि आज सुबह की मॉर्निंग प्यार मोहब्बत से भरी मॉर्निंग तो है, पॉजिटिविटी से भरी मॉर्निंग तो है, लेकिन एक्चुअली मैं सोच रही थी क्योंकि आज हम 8 से 11 मोहम्मद रफी जी के गाने, सुनहरे गाने, गोल्डन मोमेंट्स, एवरग्रीन गाने हम एंजॉय करने वाले हैं, तो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ये लेजेंड होते तो हैं लेकिन ये बनते कैसे हैं, मतलब सालों साल इनके गाने रिसाइकल होते रहते हैं, डिफरेंट ट्यून्स, डिफरेंट म्यूजिक, डीजे म्यूजिक तक बन जाता है इनके गानों का, लेकिन एक्चुअली में ये गाना एक लेजेंड बनता कैसे है, तो मतलब इसकी जानकारी हम आज लेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है श्री ब्रजेश अहूजा जी, जो जाने माने ट्राई सिटी के जाने माने म्यूजिक कंपोजर सिंगर है, और श्री जसपाल पट्टी जी के साथ इन्होंने मतलब सुपर हिट फ्लॉप शो में भी आ चुके हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तो सर जहां तक बात आती है लेजेंड, मतलब अब हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि मतलब ये लेजेंड है, इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन उस लेजेंड गाने के पीछे, लेजेंडरी गाने के पीछे जो मेहनत जाती है, बनता कैसे है एक लेजेंडरी गाना? अरे देखिए, इसमें लेजेंडरी खुद एक लेजेंड बनना तो उस आर्टिस्ट को भी नहीं पता होता कि मैं कभी बन जाऊंगा। वैसे तो सब ऊपर ही लिखा होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत सारे करते हैं, शुरू होता है लिरिक राइटर से, म्यूजिक डायरेक्टर से, म्यूजिक अरेंजर से, और इन सबको इकट्ठा करने वाला होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म का। जी बिल्कुल। तो डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर उनको सिचुएशन बताता है कि भाई ये फिल्म में ये सिचुएशन है, हीरो की ये हालत है, हीरोइन की ये हालत है, जी, जी, तो ये जी, गाना उस वक्त का है, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल इसको कंपोज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार पहले गाना लिखा जाता है, उसके ऊपर धुन बनती है। जी। कई बार उल्टा होता है, म्यूजिक डायरेक्टर पहले धुन दे देते हैं जी, तो लिरिक राइटर बाद में लिखते हैं। ऑलराइट। तो उस टाइम में तो बहुत मेहनत होती थी, एक गाना इतने बड़े रफ़ी साहब जैसे सिंगर भी, लता जी जैसे सिंगर, उनको भी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, एक एक महीना रिहर्सल करवाते थे एक गाने की। वाओ, क्या बात है। क्योंकि उस वक्त रीटेक का जो मामला है कि भाई एक बार रीटेक हो गया, क्योंकि टू ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। जी जी। तो सारे म्यूजिशियंस साथ में बैठे होते थे, 100 के 100 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, कहीं कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो दोबारा से कट करके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेप होती थी, टेप पे रिकॉर्ड होता था, तो उसको दोबारा से फिर शुरू करना पड़ता था। आजकल की तरह फैसिलिटी नहीं थी ना। एब्सोल्युटली। तो सर बट ये बात थी कि जितनी कम फैसिलिटी थी, आई थिंक उतने ज्यादा एक सिंगर अपना गाना उंधा कर पाता था, क्योंकि कम फैसिलिटीज थी, तो उसमें होता था कि कम में हम सबसे बेस्ट, मेहनत ज्यादा थी। आजकल तो फिर आप सिंगर हैं चाहे नहीं, आपको सिंगर बना दिया जाता है। बना दिया जाता है, बिल्कुल। थैंक यू टू द ऑटो ट्यून विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो सर आज अभी इस वक्त क्योंकि हम मोहम्मद रफी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज सुबह 8 से 11, तो उनकी याद में आप अभी फिलहाल हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? आप जो कहें वो सुना दूंगा। मैं एक लिस्ट लाया हूँ, उसमें से देख लूं? बिल्कुल, मैंने तो आपकी चॉइस में छोड़ा है, देख लीजिए। तो सर जैसे कि अभी हम फिलहाल हम सुनकर आ रहे हैं रेडियो पर दर्दे दिल दर्दे जिगर, तो give me that song from you please। ये गाना यही सेम, दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग सर। आज दर्दे दिल दर्दे जिगर, आज मतलब वो दिल के जो वो दर्द होते हैं ना, आज मतलब ताजा हो गए हैं, पर डेफिनेटली एक खुशहाल फीलिंग के साथ और प्यार भरी फीलिंग के साथ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं विमल त्रिखा जी, जो हैं चंडीगढ़ बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल के फाउंडर मेंबर। तो सर आपके हिसाब से, क्योंकि आज हम मोहम्मद रफी जी को याद कर रहे हैं, यादगार ए रफी मॉर्निंग है आज की 8 से 11 की, तो आप सर क्या रेसिपी बताना चाहेंगे, एक लेजेंड बनने की रेसिपी क्या है आपके हिसाब से? देखो, लेजेंड बनने की रेसिपी तो इन्होंने बता ही दी अहूजा जी ने जी,
बट मैं ये कहूँगा कि जैसे अब टाइम चल रहा है, 2 साल से सारे ही इंडिया में ही बल्कि वर्ल्ड में ही कोरोना करके सभी उदास से घर के अंदर ही लॉकडाउन, तो मैं इस बार रफी जी की इस एनिवर्सरी पे थोड़े उनके जो जोशीले गाने हैं ना जिसमें जोश हो, जी सर, वो गाना चाहता हूँ. एब्सोल्युटली सर, मैं एक गाना आपको जोश वाला गाता हूँ. बिल्कुल सर, कौन सा वाला? जिसमें जिसमें जिसे गा के और जिसे सुन के हाँ. थोड़ा दिल तरोताजा. बिल्कुल सर, सुबह का वक्त है वैसे भी, इस वक्त आई थिंक सुबह के वक्त तो वैसे भी पॉजिटिविटी की फुल ऑन जरूरत होती है, तो सर कैन वी गेट इट फ्रॉम. मैं कोशिश करता हूँ. जी सर. आय हाय, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके. कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके. हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके. और तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला. ओए होए, कान में चुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके. हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके. ओ तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला. रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला. Awesome! सुपर से भी ऊपर गाना. तो जनाब आई थिंक विमल त्रिका सर ने मूड तो सेट कर ही दिया, तो अभी आई थिंक हम म्यूजिकल ब्रेक में भी ये गाना एंजॉय कर आते हैं. तो जनाब सुबह का वक्त, नशीला दिन, अंग है नशीला, रंग है नशीला, तो आप अपने लव्ड वंस को याद करें और साथ में ये गाना सुने. और हाँ, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी एक्स्ट्रा अप कर लीजिए, क्योंकि अमेजिंग गाना आने वाला है. मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी से मित्रा 107.8 एफएम डीबी रेडियो सुन रही है आप. गुड मॉर्निंग सोनियो, मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा. वैसे एक बात है, मैं सुबह सोच रही थी कि सिटी ब्यूटीफुल को एक्चुअली में कोरा शहर क्यों कहा जाता है. शायद ऐसा है कि हमने ना अपनी जिंदगियों में, अपनी लाइफ्स में ना बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो ऐसी दीवारें अब आगे फ्यूचर में ना आए और हम घुल मिलकर जिए. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्ट चंडीगढ़ और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हम हो सकते हैं और ज्यादा नेबरली. मतलब कि अगर आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, वो भी अपने पसंद के, यू नो, अपने टेस्ट वाले फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है. आपने सिंपली नेबरहुड कनेक्ट फॉर्म फिल इन करना है. अब ज्यादा जानकारी के लिए आपको 9501095010 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा. टाइप कीजिए नेबरली स्पेस देके अपना नाम और हम आपको कनेक्ट करेंगे. और बात वैसे अगर हो गानों की, तो आई थिंक दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अमेजिंग गानों की अगर बात करें, एवरग्रीन गानों की बात करें, तो मोहम्मद रफी जी का नाम टॉप नॉच लिस्ट में आता है. तो आज तो वैसे भी हम यादगारे रफी मॉर्निंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मोहम्मद रफी जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज के दिन 8 से 11. तो इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रजेश अहूजा जी, जो हैं चंडीगढ़ की जानी मानी हस्ती, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर. सर नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी लाइफ पर. थैंक यू. और साथ में है विमल त्रिका सर, चंडीगढ़ बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल के फाउंडर मेंबर. सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर स्टूडियो में फिर से आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है आज आके आपके स्टूडियो में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. क्या बात है. तो सर ऐसा है कि हम आपको ना, मतलब ऐसे सूखा सूखा तो जाने देंगे नहीं, हम आपसे बहुत ढेर सारे गाने आपको गाने के लिए बोलने वाले हैं. तो ऐसा है कि मेरे ना दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ रहा है, और वो है अंताक्षरी का. तो पहला गाना मेरे से शुरुआत करते हैं, तो जो भी आखिरी अक्षर होगा वहां से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो ब्रजेश सर आपकी बारी, मेरे बाद, और फिर उसके बाद विमल त्रिका सर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो आर यू रेडी? रेडी रेडी. ठीक है जी. तो मेरा गाना है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. ब्रजेश जी सर, कौन सा हो गया? या ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो. हो सर, हो सर. हम तुम मेरे मान भिजाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लगों पे रंग तो है एक दाल का, अरे हम दम मेरे रे रा, ए, रे मेरे रा, 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 रा.
रे मामा रे रे मामा रे मामा रे रे मामा रे मामा रे रे मामा रे मामा रे सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी ओ मेरी परियों की रानी रे मामा रे मामा रे रे पे आ गया रे मामा रे ब्रजेश सर आपकी बारी रात है कोई गल नहीं रा 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 नहीं वो तो हा? नहीं रफी साहब की गाना दूसरा रफी हाँ रफी साहब की गाना रा से बिल्कुल रा 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 रुक जा नहीं ये तो उनका हो गया ये तो उनका हो गया ये मुकेश है मुकेश है मुकेश है मेरे दिमाग में भी आया था रा से ये भी उसका है सर ऐसा है कि अंताक्षरी का तो बहुत मजा तो आ ही रहा है लेकिन एक गाना है जो मैं गाना चाहती हूँ तो मैं फटाक से गा देती हूँ तो गाना है उसके बाद सर मेरा साथ दीजिए खोया खोया चांद क्या बात है खुला आसमां हमको भी सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद द अमेजिंग चांद द चांद चांद द दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे ये आ गया तो जनाब ये अमेजिंग फन कंटिन्यू रहेगा 8 से 11 107.8 एफएम डीबी रेडियो सुनते रहे आप मोहम्मद रफी जी की याद में हम गाना गाते रहेंगे उनके प्यार भरे नगमों को हम गुनगुनाते रहेंगे बस आपको ट्यून इन करके रखना है 107.8 एफएम डीबी रेडियो पर ते मेनू कहंदे जी आरजे लवली लेडी संगमित्रा ए गुल बदन कांटों सी ए गुल बदन ए गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए गुड मॉर्निंग सोनियो मैं कहते हैं जी आर जे लवली लेडी सुमित्रा और ऐसा है कि सुबह का वक्त तो है ही पॉजिटिविटी का टाइम तो है ही तो ये गाना हम मोहम्मद रफी जी को मतलब ये टाइम हम मोहम्मद रफी जी को जितना हम डेडिकेट कर सकते हैं हम कर रहे हैं और वैसे एक बात है कि अगर हम बात करें प्यार मोहब्बत इश्क की तो ऐसा है कि अंताक्षरी से अच्छा खेल कुछ हो नहीं सकता अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ और ज्यादा बॉन्डिंग करना चाहते हैं उनसे रिश्ते और ज्यादा सुधारना चाहते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी टेक्निक है आप भी ऑफकोर्स बचपन से खेलते आ रहे हैं लेकिन अगर इसको फिर से रिवाइज करेंगे रिवाइव करेंगे आज के दिन तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके लव्ड वंस को भी और जनाब इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो में ब्रजेश आहूजा जी चंडीगढ़ की जानी मानी हस्ती म्यूजिक कंपोजर सिंगर और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सुपरहिट शो फ्लॉप शो के ये एक्टर रह चुके हैं अमेजिंग वॉइस अमेजिंग परफॉर्मेंस और साथ में हमारे साथ है विमल त्रिखा सर चंडीगढ़ बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल के फाउंडर मेंबर सर आपका फिर से हम स्वागत करते हैं सिटी लाइफ पर थैंक यू जी थैंक यू तो सर ऐसा है कि आजकल ना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी वैल्यूज अपनी पुरानी हैबिट्स को हम भूलते जा रहे हैं तो अगर सिंगिंग की भी बात करें तो मतलब ऑफकोर्स रीमिक्स का जमाना आए को तो बहुत सारे साल हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो वो वैल्यूज होती है ना गानों की वो कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है अगर मैं हेल्थ की बात करूं क्योंकि आजकल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आजकल फिर से रिवाइज हो रहा है रिवाइव हो रहा है कि हमें मिलेट्स खाने चाहिए हमें ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ए टू मिल्क की भी आजकल बात हो रही है ये तो चलो थी हेल्थ की बात है लेकिन जहां पर बात आती है अच्छा गाना क्योंकि कहना कि अच्छा खाना और अच्छा गाना हर एक को पसंद रहता है तो अच्छे गाने को कैसे अच्छा बनाया जाए तो मतलब उसके क्या बेसिक्स होंगे एक अच्छा गाना क्रिएट करने के देखो बेसिक्स वाली बातें तो आजकल रही नहीं
अगर मैं कुछ कहूंगा तो ऐसे लगेगा कि बंदा लेक्चर दे रहा है, हमें समझा रहा है, जो आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर्स हैं। जी, जी। जैसे पहले हमने कहा कि सिंगर तो बहुत कम रह गए हैं, उनको सिंगर बनाया जाता है जी। तो सो कॉल्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स भी मैंने ऐसे देखे हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, हमारे स्टूडियोज में आते हैं सिंगर्स भी आते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी आते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता। ओके ओके। तो वो सारा काम बेचारा, वो साउंड इंजीनियर, वो अपने आप बेचारा सॉफ्टवेयर निकाल के तो उसकी ट्यूनिंग कर ली, फलाना कर लिया जी। और जी। म्यूजिक क्या है कि जैसे पहले म्यूजिक अरेंजर होता था, कितने म्यूजिशियन होते थे, इतने वायलिंस हैं, वो ड्रम्स हैं, वो ढोलक है, तबला है, उन सब के लिए उनका काम बताना कि भाई ये इतना ये पीस है, इतना ये म्यूजिक का टुकड़ा है, ये आपने बजाना है, ये आपने बजाना है। फिर वहाँ कंडक्टर का अलग काम, वो बेचारा कंडक्ट कर रहा है, चलो आप शुरू हो जाओ, आप शुरू हो जाओ, 1 2 3 4। बिल्कुल। तो अब तो रहा ही नहीं है, म्यूजिक की तो कोई बात ही नहीं रही, अब जमाना है साउंड का, कि आपने उस सॉफ्टवेयर से कहाँ से कोई अजीब सी साउंड निकालनी है, वो म्यूजिक डायरेक्टर का काम रह गया। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर जैसे आपने वो हेल्थ वाली बात करी जी, तो मुझे एक रोशनी सी दिखाई दी कि हो सकता है कि वो पुरानी चीज वापस आ जाए संगीत में भी। Absolutely. तो बहुत अच्छी बात है। Absolutely. जैसे Absolutely. हम आयुर्वेद की चल पड़े, एलोपैथिक को छोड़ के आयुर्वेद की तरफ चल पड़े हैं, देसी चीजें खाओ, फलाना ठिकाना, है ना, उससे हेल्थ ठीक रहेगी, जैसा आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो काश म्यूजिक का भी वो टाइम आ जाए, फिर तो वाह क्या बात है। तो सर, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत उम्दा गाते हैं, तो क्या हम एक मोहम्मद रफी जी का एक गाना आपकी आवाज में अगर सुन पाए? मैं तो कह रहा हूँ, आप अपनी चॉइस बताइए, मैं सुना देता हूँ। मेरा तो फेवरेट है जी, गुलाबी आंखें जो आए, हाँ, हाँ, आप गा सकते हैं मेरे जी। ठीक है, इसको प्ले कर लूँ जी? सर, ज्यादा लाउड तो नहीं होगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, क्या बात है, उस पे फिदा मैं क्यों हुआ, ना 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 यार पे मैं लुट गया, मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। Awesome! क्या बात है, क्या बात है। विमल त्रिखा सर, आपसे भी हम एक और गाना सुनना चाहेंगे, और अगर इस वक्त मोहम्मद रफी साहब होते स्टूडियो में तो आप उनके सामने क्या गाना गाते, या फिर उनसे, या फिर उनके सामने नहीं, उनके सामने नहीं, बात है, उनके सामने तो नहीं गा सकते, उनना तो केड़ा गाना सुनना पसंद करते। हाँ, ये उनसे उनसे ये गाना, बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना है जो मैं गाता हूँ, चुटकी मार के गाना होगा ये म्यूजिक। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से दुई है तुझसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ, 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 ओ,
तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसा है कि हमने तो पहचान लिया है कि आज का दिन हम मोहम्मद रफी साहब को याद करते रहेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल टाइम है आप ये वाला गाना एंजॉय करके आए। जनाब ऐसा है कि मॉनसून का समय है, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल बेईमान तो हो ही जाता है मौसम। तो आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग गाना है, आज सुबह के टाइम ये गाना सुनकर आइए और अपनी वॉल्यूम को अप कीजिए, अपने मूड की वॉल्यूम भी थोड़ी सी और अप कीजिए। मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संग मित्र 8 से 11 हम मोहम्मद रफ़ी जी स्पेशल गाने गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और उनको देते रहेंगे भावभीनी श्रद्धांजलि। डीबी रेडियो उनकी आवाज़ को गुनगुनाता रहेगा आज पूरा दिन। मैंने कहते हैं जी आरजे लवली लेडी संग मित्र। हाँ जी सोने मखन मलाई दे डोनियो, मैनू कहते हैं जी आर जे लवली लेडी सुमित्रा और आज यादगारे रफी मॉर्निंग सुबह 8 से 11 चलती रहेगी। अब क्या है ना कि वैसे अगर हम बात करें एस्पायरिंग सिंगर्स की तो हम में से आई थिंक 10 में से 8 लोग तो सिंगर्स होते ही हैं, लेकिन अच्छे सिंगर्स कौन होते हैं, आई थिंक बात वहाँ पर आती है। वैसे एक बात है कि अगर हम नेहा कक्कड़ की बात करें तो उन्होंने जब इंडियन आइडल अटेंड किया था, ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था 2006 में और फिर उसके बाद अरिजीत सिंह ने फेम गुरुकुल 2005 में उन्होंने जो ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, तो कहना कि इनकी टॉप 5 से पहले इनकी इलिमिनेशन हो गई थी। तो मतलब क्या सवाल यहाँ पर आता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या रियलिटी शोज में पार्ट लेना नहीं चाहिए या चाहिए, मतलब इसके ऊपर ऑफकोर्स सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं श्री ब्रजेश हुजा जी, म्यूजिक कंपोजर सिंगर। और सर आपके हिसाब से एक अच्छा सिंगर, सक्सेसफुल सिंगर बनने के लिए क्या रियलिटी शोज में आपके हिसाब से पार्ट नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए? देखो जी सबके अपने अपने विचार हैं, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ सब ठीक ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, आप अपने मन में लेके चलते हैं कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ जी, वहाँ आप एलिमिनेट हो जाते हो जी, जैसा जी, आपने एग्जांपल्स दी हैं जी, वो अच्छे सिंगर थे वो आगे आ गए, वो अपनी स्ट्रगल से आगे आए, अपनी मेहनत से आगे आए जी जी। तो एक कोई इसका कोई ऐसा एक कॉमन पैरामीटर नहीं है, जैसे 4 जजेस बैठे हैं सबकी अलग अलग सोच है, फिर चैनल की अलग सोच है, अल्टीमेटली फाइनल तो उसने करना है। तो एक जज का पैरामीटर अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। तो संगीत में ऐसा कुछ नहीं है जजमेंट के लिए कि जो फर्स्ट आ गया वही सबसे बढ़िया सिंगर है जी। क्योंकि जब हम मैं कई जगह पे जज बना हूँ, स्कूल कॉलेज के, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी में, इवन यहाँ सारे गांवों में भी मैं जज बना हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सिंगर ने आज अच्छा नहीं गाया तो ये अच्छा सिंगर नहीं है। okay, कई बार उसका okay. दिन ठीक नहीं होता, उससे सुर लगते नहीं है कई बार। Absolutely. तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आप वहां जाओगे तो वहां विनर हो जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक कि जो रियलिटी शोज हैं वो पता नहीं कितने रियल हैं जी, बिल्कुल आई कांट से पता नहीं कितने रियल हैं, क्योंकि होता तो शूट ही है ना, सारी चीज स्क्रिप्टेड है जी जी। तो वो तो फील्ड के बंदों को ही पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कॉमन मैन को कुछ नहीं मालूम। हाँ जी, वो हाँ तो बेचारा सोचता अच्छा हाय रोने लग जाते हैं बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों का रियलिटी से मेरे ख्याल में 100% लेना देना नहीं है जी, कुछ जी। कुछ हद तक हो सकता है। तो सर आपके हिसाब से बिकॉज आजकल की अगर हम सिचुएशन देखें तो एक सिंगर को यू नो फेस वैल्यू पर भी एक अच्छा दिखना होता है, यू नो एक ग्लैमरस अवतार में आना होता है और एट द सेम टाइम अपने सुर बिठाने होते हैं, तो इस सब का बैलेंस कैसे रखा जाए और आजकल के जो सिंगर्स एस्पायरिंग सिंगर्स हैं वो इन दोनों बोट्स में कैसे बैलेंस मेंटेन करें? उसके लिए ये एक मजबूरी का सब्जेक्ट है ये जी, कि एक तो भगवान की देन होती है ब्यूटी पर्सनालिटी, उसका आप क्या कर सकते हैं, कितने कपड़े पहन लोगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका गाने से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए जी जी जी। जैसे हमारे पुराने सिंगर थे, चाहे रफी साहब थे चाहे किशोर दा थे, कितने के हैंडसम थे वो जी, लता जी कितनी सुंदर थी बताइए आप, आशा जी कितनी सुंदर थी जी, बिल्कुल। और उनकी प्रेजेंटेशन भी स्टेज पे बिल्कुल सिंपल होती थी, आज आप यूट्यूब पे देख लो उनके लाइव शो, एक व्हाइट टी शर्ट शर्ट पहनी हुई है, रफी साहब गाना गा रहे हैं जी, अरे जी, गाने में दम है तो गा रहा है ना बंदा, क्या बात है, सही तो बात है। जो आज हो रहा है सिंगर डांस कर रहा है,
एक बहुत ही गॉडी सी ड्रेस पहन के और वो डांस करते करते गा रहा है, डांस करते करते आप कैसे गा लोगे, मेरे को ये सवाल, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सर, आप चार कदम चलो तो आपका सुर नहीं लगेगा, आप डांस करते करते कैसे सुर लगा लोगे भाई। जी, ये सब ड्रामेबाजी है जी, जी। दुनिया को दिखाने के लिए, जनता बड़ी भोली है बेचारी, क्या किया जाए। जी, जी, जी। वो जाते हैं देखने सुनने कि वो गा रहा है, वो लाइव थोड़ी गा रहा है, बिल्कुल वो तो सिंक दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने के लिए आप गाना सीखो भाई, सुर में गाओ, सबसे बड़ी बात तो वो है, बाकी सब कुछ अपने आप होता रहेगा। जी, तो सर आप एस्पायरिंग सिंगर्स, ट्राई सिटी के एस्पायरिंग सिंगर्स को क्या वो टिप, क्या वो मंत्र देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आपने एक चीज बताई कि अपने सुरों पे ध्यान दें, आई थिंक वो सबसे ज्यादा अहम है। तो अगर सुर बैठेंगे तो ये आप एक सिंगर कहलाएंगे, और उसके बाद तो बाहरली जो मेकअप और अटायर होता है वो तो मैनेज हो ही जाता है। तो और सर और क्या बताना चाहेंगे आप आज के एस्पायरिंग सिंगर्स को, क्या वो टिप, क्या वो मंत्र देना चाहेंगे? मंत्रा, अब जब हमने सुर की ही बात कर दी तो सबसे बड़ा मंत्र तो वही है, वही नहीं आपसे कितने कितने सालों तो आपसे सा ही नहीं लगता जब आप रियाज करना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते जी, हो जी। हम सोचते हैं कि लग रहा है लेकिन वो नहीं लग रहा होता। ओके, वो सामने जो बैठे हैं आपके गुरुजी वही जानते हैं। एब्सोल्युटली। तो जनता को तो खैर क्या पता चलेगा, इतना नहीं पता चलता जी। लेकिन आपने सुर साध लिया, आपकी आवाज भगवान ने अगर अच्छी दी है तो सब कुछ हो जाता है। उस पर ये है कि अगर आपने, आप अपनी एक कैटेगरी डिसाइड कर लो कि आपने कौन सा सिंगर बनना है। एक तो कैटेगरीज बहुत है। ओके, प्लेबैक सिंगर की टेक्निक अलग है, क्लासिकल सिंगर की टेक्निक अलग है जी, गजल सिंगर की टेक्निक अलग है, फोक सिंगर की टेक्निक अलग है जी। आप ये डिसाइड करो आपने कौन सा सिंगर बनना है, फिर उस हिसाब से वो टेक्निक आप सीखो। ओके, यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस जोन में, नॉर्थ जोन में कोई ऐसा आपको सिखा पाएगा। बॉम्बे में है लोग जी, जी। तो जैसा प्लेबैक सिंगिंग की टेक्निक है यहाँ पे कोई नहीं सिखाता जी, बिल्कुल। तो मैंने अभी ये काम शुरू करने लगा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ से। ऑलराइट, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर सर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो क्या आप अपना नंबर फ्लैश कर सकते हैं? हाँ, श्योर 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 बोल दूं, 9872336592। दोबारा बोलूं, 9872336592। अमेजिंग। और अगर फिर भी अगर नंबर इनकेस आपसे मिस आउट हो गया हो तो आप 9501095010 पर भी कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात डायरेक्टली श्री ब्रजेश आहूजा जी से करवा देंगे। और साथ में विमल त्रिका सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वो टिप, क्या वो मंत्रा होगा आप आजकल आज की पीढ़ी को देना चाहेंगे, यूथ को देना चाहेंगे? देखो, जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि सुर में गाना चाहिए, चलो सुर नहीं लगते, कोशिश करनी चाहिए जी। तो एक गाना है जैसे रफी जी का, ये सुर में गाएं तो इस तरह का होता है, जो आजकल के लड़के गाएं तो इस तरह का होता है। सुर में और इसमें आपको मैं गा के बताता हूँ, थोड़ा फर्क मालूम हो जाएगा जी। ये है जो आजकल के लड़के गाएंगे जिनको सुर का नहीं पता जी। तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। ये तो गाएंगे आज के लड़के जी, बिल्कुल। और जो सुर में गाना हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान देके जी, ऐसे जी। तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे मेरे संग संग, तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। क्या बात है सर, ऐसा है कि विमल त्रिका सर ने तो गाना गा दिया, अब आपकी बारी है, प्लीज आप भी अगर एक गाना मोहम्मद रफी जी की याद में आज गा सके। अच्छा, लास्ट सॉन्ग, ये हमारे साउंड इंजीनियर हैं मिस्टर त्रिक, ये भी वैसे त्रिका हैं और वो भी त्रिका हैं, उनकी फरमाइश पे मैं गाता हूँ ये। क्या था गाना? तेरे नाम का दीवाना। हाँ, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है।
उस नजर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज यादगारे रफी मॉर्निंग्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा है कि अभी बैक टू बैक हम 5 गाने सुनने वाले हैं रेडियो पर 107.8 एफएम डीबी रेडियो पर, तो आप एंजॉय कीजिए बैक टू बैक मोहम्मद रफी साहब के ये गाने। सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। अब ऐसा है कि हम आपको अब कल मिलेंगे फिर से मैनू कहते हैं जी आर जे लवली लेडी संग मित्रा, लेकिन तब तक इश्क की आवारगी, इश्क की दीवानगी आप जारी रखिएगा पूरा दिन। मैनू कहते हैं जी आर जे लवली लेडी संग मित्रा।